हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में बहुत ही शानदार टॉपिक को कराने वाले हैं आज कवर, संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों का समायोजन कितने प्रकार का होता है और इसका डेरिवेशन करेंगे, सीखते हैं, हर चीज को बारीकी से सीखेंगे। देखिएगा, समांतर यानी कि जो संधारित्र है, आपको हमने बताया था ये आपका संधारित्र का सिंबल होता है और इसकी धारिता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो बना रखा है ये हमने समांतर प्लेट संधारित्र बना रखा है। ये क्या है आपका? समांतर प्लेट संधारित्र है। ओके, और ये क्या लिख गया? ओके, ये देखिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। ओके, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपका, ये जो बना हुआ है ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। ओके, अब आपको हम एक चीज बताना चाह रहे हैं कि ये जो संधारित्र है इनका समायोजन, कि हम संधारित्र, हमको ज्यादा धारिता चाहिए तो हम किस क्रम में जोड़ें। हमको मान लीजिए बहुत ज्यादा धारिता चाहिए तो कितने संधारित्र लगाएं और किस क्रम में लगाएं, है ना? क्रम में, जैसे संधारित्र लिए हम एक के आगे एक, एक के आगे एक रख दिए, है? या फिर आप नॉर्मली देखो, आप कहीं पर मान लीजिए भंडारा करना है और आप कहते हैं कि भाई सब लाइन लगा लो, सभी को बारी बारी से प्रसाद मिलेगा। या कभी कभी क्या होता है, भंडारा करते हैं सभी एकदम गोल घेरे में एक साथ आ जाते हैं पास में, तो उनका कॉम्बिनेशन अलग हो गया ना, एक क्रमबद्ध तरीके से लाइन में लगे हुए हैं एक ही लाइन में। एक क्या होता है, बहुत सारी चार लाइन लगा ली किसी ने, और क्या होता है कभी कभी क्या होता है एक गोल घेरा बना लेते हैं, सभी ऐसे मांगने लगते हैं, तो सबका अलग अलग तरीका होता है, तो वही कॉम्बिनेशन समायोजन कहलाता है। तो ऐसे यहाँ पर संधारित्रों को अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेट करते हैं यानी समायोजित करते हैं। तो यहाँ पर पहला समायोजन होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन, एक होता है हमारा समांतर क्रम समायोजन। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम समायोजन को पढ़ेंगे। ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल ली है हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन। अब इसमें होगा क्या, देखिएगा यहाँ पर बहुत ही प्यार से सीखो, जरा देखो, सीखोगे थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। हमारे पास में यहाँ पर तीन संधारित्र, देखिएगा इस तरीके से, ये हमारे पास में संधारित्र है पहला संधारित्र, इसकी धारिता सी वन है और इसकी ये पहली प्लेट है और ये इसकी दूसरी प्लेट है। बात समझ रहे हो? तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है कि ये आपका पहली प्लेट है इसकी, ये इसकी दूसरी प्लेट है। ध्यान से समझिएगा, ये दूसरा संधारित्र है, ये इसकी पहली प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है, ये इसकी पहली प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है। बात समझ में आ गई? ये पहला संधारित्र है, इसकी धारिता सी वन है, ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता सी टू है, ये तीसरा संधारित्र है, इसकी धारिता सी थ्री है। बात को समझ जाना, देखिएगा थोड़ा सा अच्छा सा लिख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन कर पाऊं मैं आपको। देखिएगा ये आपका ये है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, देखिएगा ध्यान से, ये पहला संधारित्र था, इस पहले संधारित्र की देखिए पहली प्लेट को मैंने किससे जोड़ दिया, यहां पर ये स्रोत है, ये क्या है स्रोत, इस स्रोत से जोड़ दिया और यहां से ये क्यू आवेश दिया जाएगा इसको, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, इस पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से जोड़ दिया और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, इस दूसरी प्लेट को मैंने किससे जोड़ दिया, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया। ऐसे ही अब इस दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इसी क्रम में सभी संधारित्रों को जोड़ते चले जाते हैं और अंत में अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये पृथ्वी से जोड़ दिया, इसी क्रम को हम श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। तो यहां पर थ्योरी भी यही लिखी हुई है, बड़ी लाजवाब। संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, यानी कि ये पहली प्लेट थी, इसको मैंने यहां से विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, यानी पहले संधारित्र की ये दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तो ये दूसरी प्लेट को ऐसे जोड़ दिया हमने दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। अब दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से,
दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को, ठीक है ना, यहां पर दूसरी संधारित्र को, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ध्यान से समझिएगा, दूसरे से, ये दूसरा संधारित्र है भाई, ये दूसरा संधारित्र और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा सभी संधारित्रों को इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं और अंत में अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को, यानी अंतिम जो भी लास्ट होगा उसकी अंतिम प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। लाइट चली गई है, इस डेरिवेशन को अभी कराएंगे हम लाइट आने पर, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ओके। चलिएगा, यहां तक समझ में आ गया, और चलिए तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब यहां से कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि हमने जैसे स्रोत से प्लस क्यू आवेश लिया, ओके, जैसे ही ये प्लस क्यू आवेश इस प्लेट को दिया जाएगा तो इस पर ये प्लस क्यू आवेश ऐसे फैल जाएगा। पहले तो इसको मिटा दे रहा हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहां से देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ये हम यहां से मिटा दे रहे हैं। अब देखिएगा, ये ऐसे जोड़ रखा है, ओके। अब हुआ क्या कि ये आपका C2 है, ओके। हुआ ये कि जैसे ही हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो इसकी पहली प्लेट पर ये जो प्लस क्यू आवेश है ऐसे फैल गया, ये फैल गया, ठीक है, ये रहा। और इसके प्रेरण द्वारा इस वाली प्लेट पर अंदर की साइड में ऋण आवेश, इसकी बाहर की साइड वाली प्लेट पर, देखिएगा जैसे हमने यहां पर प्लस क्यू आवेश देंगे तो यहां पर इस तरीके से प्लस आवेश आ जाएगा, प्रेरण द्वारा उतना ही इस पर ऋण आवेश आ जाएगा, इसके बाहर उतना ही धन आवेश आ जाएगा। अब धन आवेश को क्या है, ये वाली प्लेट को हम दूसरी प्लेट से जोड़ देंगे तो ये सारा धन आवेश यहां से हटकर इस वाली प्लेट पर चला जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा। तो यही धन आवेश जो इसके था, ये जुड़ा होने के कारण तार से यहां से आगे बढ़ा और यहां पर पहुंच गया। अब इसके इस पर आ गया, इसके प्रेरण द्वारा फिर इस पर ऋण आवेश आ गया, फिर इसका जो प्लस क्यू आवेश था वो इस पर स्थानांतरित हो गया, फिर यहां पर आ गया प्लस क्यू आवेश, फिर यहां पर ऋण, ऐसे ही आगे जाता जाता है, पूरे समायोजन में इस तरीके से ये आवेश फैल जाता है। और अंत में क्या होगा कि जो लास्ट वाली प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो ये समस्त धनावेश इसमें चला जाता है पृथ्वी में, ये बन गया। अब इसकी प्लेटों के विभव, इनकी प्लेटों के बीच का विभव V1, इसकी प्लेटों के बीच का विभव V2 और इसकी प्लेटों के बीच का विभव V3, इस तरीके से हमने मान लिया, ओके। आवेश यहां पर क्यू ही रहेगा क्योंकि यही आवेश सभी में जा रहा है, ओके। चलिएगा, तो अब इस संधारित्र के समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। अब देखिएगा, अब यहां से हम निकालेंगे भाई, देखिएगा आपको पता है ये पहला संधारित्र है तो यहां पे लिखेंगे पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र, संधारित्र की धारिता, पहले संधारित्र की धारिता निकालेंगे हम C बराबर, नॉर्मली Q बराबर फॉर्मूला होता है CV, तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। तो पहले संधारित्र की धारिता को हमने C1 माना है तो C1 बराबर हो जाएगा फॉर्मूला Q अपॉन V1। बात समझ में आई, क्यों हो गया, देखिएगा क्योंकि यहां पर क्यू में वन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर भी क्यू आवेश है, यहां पर भी, यानी तीनों में आवेश तो क्यू है। ऐसे ही दूसरे संधारित्र का निकालेंगे हम, दूसरे संधारित्र की धारिता, इसको हम C2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन V2। ऐसे ही हम करेंगे तीसरे संधारित्र की धारिता, इसको बोलेंगे हम C3, इसको लिखेंगे हम Q अपॉन V3। बात समझ में आ गई, सभी संधारित्रों की धारिता निकाल रही हमने, पर Q में वन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सभी में ये जो आवेश है इसको देखिएगा, ये जो आवेश है यही स्रोत से जो लिया गया था वही आवेश जा रहा है, तो सभी में क्यू आवेश है, ठीक है। अब हमें क्या है, संधारित्र की धारिताओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमने मान लिया, यहां पे लिखेंगे कुल धारिता, ठीक है,
या फिर यहाँ पे विभव निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है विभव निकालो, या यहाँ से धारिता हम विभव भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ये धारिता निकाली है, आप यहाँ पर विभव भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। यहाँ पर आपका जब मन करे तो ये देखिएगा, ये जो धारिता है इसकी जगह पर आप विभव भी निकाल सकते हो। यदि हम यहाँ पर धारिता की जगह पर हम कहेंगे विभव, हम यहाँ पर विभव कहें, पहले संधारित्र का विभव V1 बराबर, तो V इधर आ जाएगा तो Q/C1 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे संधारित्र का विभव निकालेंगे तो Q/C2, तीसरे संधारित्र का विभव निकालेंगे तो Q/C3 हो जाएगा। आपकी इच्छा है, पर ज्यादा बेटर विभव रहेगा, क्योंकि विभव अलग अलग प्लेटों के बीच का विभव निकाल लेंगे, सी आपका संधारित्र की धारिता है, तो इसलिए यहाँ पे विभव ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम क्या करने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, अब हम यहाँ पे मतलब कुल विभव, ठीक है, हम यहाँ पे टोटल विभव निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समायोजन, समायोजन का कुल विभव बराबर, हमने V मान लिया तो V बराबर V1+V2+V3। भाई इन तीनों विभवों को हम जोड़ेंगे, इस प्लेट का विभव, इस प्लेट का विभव, इस प्लेट का विभव, तीनों का विभव हम जोड़ेंगे तो तीनों का विभव कुछ तो बैठेगा जोड़ के, तो वो हमने V मान लिया, तो V बराबर V1+V2+V3, ठीक है। यहां पर हम मान रख दो, सॉल्व कर दो, देखिएगा नॉर्मली V बराबर V1 का मान कितना था, Q/C1 था, V2 का मान कितना था, यहाँ पर 2 नहीं लगाना है इसमें, ठीक है, ये Q ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका Q/C2 और ये हो जाएगा Q/C3। ओके, अब यहां से हम क्या कर लेंगे देखिएगा ध्यान से, ऊपर से हम क्या करेंगे, इसमें से ये V बराबर, थोड़ा सा दिक्कत करने लगा, पसीना आ गया, पसीना जब आ जाता है तो ये दिक्कत करने लगता है। V बराबर कितना हो जाएगा, यहां से मैं Q कॉमन ले लूंगा तो 1/C1+1/C2+1/C3। अब हमें यहां से देखिएगा, यहां से लिखेंगे समीकरण एक मान लो इसको, और नीचे क्या करेंगे हम देखिएगा, अब लिखेंगे हम, माना समायोजन की तुल्य धारिता, यानी समायोजन की टोटल समायोजन की तुल्य धारिता सी है, तब क्यू बराबर क्या होता है देखिएगा, आप जानते हो क्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी वी, तो सी बराबर हो जाएगा Q/V, ये हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहीं से आपका जो मान है ये रख देंगे तो देखिएगा, ये इस चाहो तो यहां पर भी रख सकते हो आप Q बराबर CV, लेकिन हम क्या करेंगे, ये C बराबर इतना है Q/V, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मली आप देखोगे हमको यहां पर V का मान चाहिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहीं से देखिएगा, तो हम यहां से हम C का मान नहीं निकालेंगे, हम यहां से यहीं से V का मान निकाल, Q बराबर CV होता है फॉर्मूला, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमारा V का मान, ये वाला V का मान समीकरण एक में रख देंगे तो यहां पे लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से ये जो V का मान है ये वाला समीकरण एक में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, Q/C=Q(1/C1+1/C2+1/C3)। अब इस Q से ये वाला Q कट जाएगा तो 1/C=1/C1+1/C2+1/C3, इस तरीके से ये आपका निकल कर तैयार हो गया। तो मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, 1/ में आता है तो इसको हम व्युत्क्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो मतलब ये है देखिएगा, ये सी सी क्या थी, तुल्य धारिता, हमने माना कि ये जो समायोजन जो है ये वाला, ये टोटल जो समायोजन है इसकी तुल्य धारिता जो है वो हमने कितनी मान ली, सी मान ली, ठीक है।
तो और ये C1 C2 क्या है, अलग अलग संधारित्रों की धारिता है। ये वाला जो संधारित्र है इसकी धारिता, इसकी धारिता, इसकी धारिता अलग अलग। तो यानी कि श्रेणी क्रम समायोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, ये क्या है, ये है तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। क्या तुल्य धारिता का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है, अलग 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 संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। ठीक है ना, ये क्या है, देखिएगा ये वाली क्या है, पहले संधारित्र की धारिता है उसका व्युत्क्रम हो गया, दूसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम हो गया, तीसरे संधारित्र की धारिता, ये योगफल बन गया। तो यानी कि संधारित्रों की श्रेणी क्रम समायोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, तो ये निकाल दिया। तो यही चीज कभी कभी सिद्ध कराने के लिए आ जाती है, यहीं से आपका न्यूमेरिकल भी बन जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं, देखिएगा मैं आपसे कह रहा हूं कि 6 माइक्रोफेरड और 6 माइक्रोफेरड और 6 माइक्रोफेरड के तीन संधारित्र हैं भाई, तीन संधारित्र हैं और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, इनकी तुल्य धारिता बताओ, इनकी तुल्य धारिता आपसे पूछ ले तो कैसे निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपका C1 है 6 माइक्रोफेरड, C2 है 6 माइक्रोफेरड और C3 है 6 माइक्रोफेरड, यानी कि सभी के सभी ये आपका C1, ये हमने C2 मान लिया, ये हमने C3 मान लिया, यानी कि तुल्य धारिता निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या, तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, कुल मिलाकर 1/C बराबर 1/6 + 1/6 + 1/6, 1/C बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे हम, यहां पे देखिएगा 1/C बराबर 6, हम एलसीएम ले लेंगे तो 6 + 6 + 6, क्योंकि 1 का भाग करेंगे 6 बार तो 6, 6 × 2 = 36, 18, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा। अब यहां से करेंगे तो 1/C बराबर 18/6, 6 से ये कट जाएगा, 6 × 3 = 18, तो मतलब 1/C बराबर 3 आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसको उलट देंगे तो C बराबर हो जाएगा 1/3 इस तरीके के, या हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो C बराबर ये आ जाएगा 1/3, ये वाला जो 3 है, ये वाला 3 C की जगह पर आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा और ये वाला C इधर पहुंच जाएगा, तो यानी C बराबर 1/3, कुल मिलाकर इस तरीके से आ जाएगा। ये हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जैसे 1/C बराबर 9 आ जाए तो C का मान निकालेंगे तो 1/9, इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे पहुंचा देते हैं। यदि यहां पर इस तरीके से आ जाए कभी भी, कभी 1/C बराबर 2/5 आ जाए तो C का मान कैसे निकलेगा, 5/2, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ऐसे ही यहां पर कितना था, यहां पर 1/C बराबर 3 था केवल, 3, तो हम इसको उल्टा कर देंगे 1/3, कितना, और उत्तर दे देंगे माइक्रो फेरड, ये 1/3, 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.333333 इस तरीके से आ जाएगा। तो आपने देखा ही दे रहा होगा कि श्रेणी क्रम समायोजन में अलग अलग संधारित्रों की जो धारिता होती है और उनकी जो तुल्य धारिता होती है, तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों से भी कम आती है। तो इसका हमें ये पता चलता है, जब हमको संधारित्र धारिता का मान कम चाहिए होता है तो उनको हम श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ते हैं, जब हमको धारिता का मान कम चाहिए
ठीक है, हमको कम चाहिए धारिता का मान, तो हम क्या करेंगे, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये कहां पर आवश्यकता पड़ती है, ये भी सीख लो। ये आवश्यकता पड़ती है, जैसे मेरे पास ये 6-6 माइक्रोफेरेड के संधारित्र थे, अब मेरे को 6 से कम धारिता चाहिए। अब मेरे पास 6 माइक्रोफेरेड का ही संधारित्र है और अब मेरे को धारिता चाहिए कम, तो मैं क्या करूंगा कि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा, सभी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा। अब मेरे को ये 3 संधारित्र में जब मैंने श्रेणी क्रम में जोड़े तो इनका मान कितना निकला था, 0.3333 माइक्रोफेरेड, इतना निकल आया। देख लो, अब हमको 6 से कम चाहिए थी, कितना कम चाहिए उतने ही संधारित्र हम इसमें जोड़ते चले जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए।